जोधपुर के शाही परिवार की महिला बक्काबाई ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया था। बक्काबाई की प्रतिमा का विरोध किया गया, तब से नागपुर शहर को देश के एकमात्र मार्बल जुलूस शहर के रूप में जाना जाता है। इस महोत्सव को अब महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है। तो आइए जानते हैं क्या है ये मार्बल और इसका पौराणिक इतिहास। हालांकि नागपुर को सेंटर नगरी, जीरो माइल्स का शहर और आधुनिक समय में सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर कहा जाता है, लेकिन यह कई वर्षों से देश में एकमात्र मार्बल जुलूस शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसे राज्य पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। तो क्या है मार्बल और इसका पौराणिक इतिहास, आइए जानते हैं। तिलक ने ब्रिटिश शासन के अधीन देश के नागरिकों को एकजुट करने के लिए पुणे में गणेशोत्सव की शुरुआत की। उससे पहले नागपुर में मार्बल उत्सव की शुरुआत की गई थी। मानव जाति के लिए खतरनाक प्राचीन परंपराओं का प्रतीक है काली मार्बल, तो वही अच्छी परंपराओं का प्रतीक है पीली मार्बल। काली मार्बल का इतिहास 143 साल पुराना है, जबकि पीली मार्बल का इतिहास 139 साल पुराना है। समाज में अनैतिक प्रथाओं को खत्म करने के उद्देश्य से ताना पुला के दिन अच्छे और बुरे के प्रतीकों का जुलूस यानी काले और पीले रंग का मार्बल जुलूस निकाला जाता है। जबकि 100 वर्षों के दौरान कई परंपराएं खत्म हो गई है, ऐसे में नागपुर ने मार्बल जुलूसों की अपनी ऐतिहासिक परंपरा को बरकरार रखा है। मार्बल उत्सव महाभारत से जुड़ा है। इस समय मायावी राक्षसी ने कृष्ण को मारने के लिए स्त्री का रूप धारण कर लिया, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे गाँव के बाहर ले जाकर जला दिया था। किंवदंती है कि मार्बल का त्योहार उसी समय से शुरू हुआ है। भोसले राज परिवार की महिला बक्काबाई ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। उसके पति ने इसका विरोध नहीं किया, इसलिए उनकी प्रतिमा के जुलूस का विरोध किया गया है। 2013 में महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम ने नागपुर में मार्बल जुलूस के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए मार्बल उत्सव को मंजूरी दी, इसीलिए यह उत्सव देश विदेश तक पहुंचा। मार्बल उत्सव का अनुभव लेने के लिए हर साल कई विदेशी पर्यटक नागपुर आते हैं। जैसे ही लाखों लोग जुलूस मार्ग पर उमड़ते हैं, रास्ते में विभिन्न खाद्य स्थलों की कतार लग जाती है। इतने सालों बाद भी इस त्योहार का महत्व बरकरार है। जुलूस के अवसर पर बनाई गई मूर्तियों को बैस कहा जाता है। यह जुलूस का मुख्य आकर्षण होता है। हर साल यह उत्सुकता रहती है कि किसका बरदगा बनेगा। एक तरह से यह बड़कों का त्योहार है। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के विषय पर सांकेतिक पंक्तियों के साथ टिप्पणी करने वाले बड़के तैयार किए जाते हैं। कृष्णाला मारने का जो प्रयत्न केला होता, त्यामध्ये दूध बांधण्याचा प्रयत्न केला आणि ती तिचा वध झाला। मग यामागचा त्याच्यामध्ये इतिहास आहे। लोक श्रद्धेने घेतात, दर्शन करतात आणि जातात। आमच्या संस्थेकडून कोणाला दर्शन करण्याची काही हे नाही की या तुम्ही दर्शन करा, पण लोक पुणे मुंबई सर्व पूर्ण महाराष्ट्रातून दर्शन करायला येतात। लोक दर्शन करून निघून जातात। ही 1885 पासून पिवळी मार्बल निघते, जेव्हा काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाली होती। या स्थापनेनंतर मग लोकमान्य टिळकांनी 93 वगैरे गणपती सार्वजनिक करण्यात आला। आमचा मारबतीचा उद्देश इंग्रजांना हकलण्यापासूनचा होता, समाजाने तो उद्देशातून मारबत काढण्यात आली। मग याला धार्मिक रूप देण्याचं स्वरूप होतं, ते जुडल्या गेलं, तो उद्देश आहे। मी गौरव सुरेश हेडे, अध्यक्ष काळी मारुत्सव कमिटी। काळी मारुत्सव हा सण 1881 पासून सुरू झाला। नागपूरचे जे राजा होते भोसलेराव, त्यांची बहीण बक्काबाई यांनी इंग्रजांसोबत मिळून भोसले राजावरती दिवस खराब झाले, त्याचा विरोध म्हणून नागपूरचे सगळे लोक जमले आणि काळी मार्बल उत्सव साजरा करण्यास सुरू केला। ते बक्काबाईचे पुतला बनवून काळी मार्बल जाळण्यात आली। त्यावेळेस कसं होतं, 144 लागू होती, लोकांना एकत्रीकरणासाठी हा मार्बल उत्सव सगळ्यात आधी नागपुरात सुरू झाला आणि त्यामुळे काळी आणि पिवळी मार्बलचं मिलन 1881 पासून सुरुवात झाली आहे। त्यामुळे आजही ते तशा परंपरेनुसार पिढीनं पिढी दर चालत आहे। मार्बल हा नागपूरच्या सांस्कृतिक महोत्सवाचा एक भाग आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी हजारोच्या संख्येने लोक यामध्ये सहभागी होत असतात। आणि यामध्ये पिवळी मार्बल आणि काळी मार्बल अशा दोन प्रकारामध्ये ही मार्बलची मिरवणूक जी आहे ती नागपूर शहरामध्ये पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी निघते। ही साधारण 139 वर्षाची परंपरा आहे। 1885 पासून याची सुरुवात झाली होती आणि त्यावेळी इंग्रज शासक जे होते त्यांच्या विरोधात किंवा त्यांना इथून जे काही आपल्याला शासनाच्या दृष्टीने जे त्रास लोकांना होत होतात त्याच्या विरोधात काही मेसेजेस बडग्यांच्या माध्यमातून या मार्बलमधून दिले जात होते, या महोत्सवामधून दिले जात होते। महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळा जेव्हा होतं तेव्हा 2013 MTDCच्या माध्यमातून यामध्ये काही
पर्यटनाचा एक भाग म्हणून सर्वच उत्सव आम्ही मोठ्या प्रमाणावर त्याची प्रसिद्धी राज्यामध्ये आणि देशामध्ये करत असतो. त्याचाच एक भाग म्हणून 2013 आणि 14 MTDC याच्यामध्ये सहभाग घेतला आणि याची प्रसिद्धी केली. त्यावेळेस काही कार्यक्रमही यामध्ये घेण्यात आले होते. त्यानंतर सातत्याने आमच्या वेबसाईटवर मारबतच्या बाबतीमध्ये माहितीही उपलब्ध ठेवलेली आहे व याला बघून या माहितीला बघून लोक मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येत असतात. नागपूरकर तर आहेतच परंतु राज्याच्या विविध भागातून आणि देशाच्या विविध राज्यातून सुद्धा पर्यटक हे बघण्याला येत असतात. ब्युरो रिपोर्ट, BCN न्यूज.